गाइस मैं पहुंच गया अपने ससुराल और आज मेरा ब्रदर इन लॉ इस वीडियो को एंड करेगा। क्या बीच में से स्टोरी सुना रहा है? शुरू से शुरू करते हैं। छोटे तू स्टार्ट कर। हेलो गाइस, वेलकम टू आरएमके व्लॉग। सभी मैं खड़ा हूँ पेट्रोल पंप पे और लेने जा रहा हूँ अपनी बेगम को। तो ये जो पार्ट है ये है वाइफ रिटर्न्स पार्ट वन, जिसमें हम जाएंगे बीवी के घर, रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। कल भर रहा है गाड़ी में पेट्रोल, पीछे देखो भैया लगे पड़े हैं। ये है मेरी गाड़ी, शाम को लेट शूट किया बट कंटेंट तो मैं डाल के रहूँगा। अभी रास्ते में मैं किसी काम से खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ बातें मारने के लिए खड़ा हुआ, क्योंकि मुझे कंटेंट देना है और वो मैं दे के रहूँगा। ये अभी मैं न्यू अशोक नगर जा रहा हूँ, यूजुअली मैं दूसरा रूट लेता हूँ, बट आज मैंने राउतुला मार्ग से चाणक्यपुरी से होते हुए बड़ा एम्बेसी बड़ा ही मतलब मस्त रूट है, उस रूट से होता हुआ जाऊँगा। दूसरी चीज़ ये कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, मुझे लगा था कि लोग चलो एक दिन पहले जाएंगे शायद तो बहुत रस्ते में ट्रैफिक होगा, बट मैं आपको रस्ते का हाल दिखाऊँ। मैं अभी धोला कुआं पे खड़ा हूँ और धोला कुआं से मुझे न्यू अशोक नगर, जो कि एक से सवा घंटा लग जाता है अगर यूजुअल डे हो, बट आज सिर्फ 30 मिनट्स दिखा रहा है। दिख रहा होगा, मैं आपको आगे तक का ट्रैफिक दिखाता हूँ। जब यूनिवर्स आपके साथ में हो तो कंटेंट आपको मिल ही जाता है। कंटेंट ये वाला कंटेंट सबसे पहले पहचानेंगे मेरे फ्रेंड्स मनीष, आनंद, मोहित और पुनीत, जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स और मेरे साथ हैं। अभी मैं जा रहा था अपने ससुराल, बट मुझे रास्ते में लगा नहीं मुझे अपने कॉलेज रुकना चाहिए, बहुत बार आते बट आज अकेला मैं रुक गया। ये था मेरा कॉलेज, PGDAV कॉलेज। इसका मैं फ्रंट भी आपको दिखाऊंगा, वो आउटर रिंग रोड पे आते बट यहाँ से हम एंट्री करते थे, यहाँ से हम एंट्री करते थे। मेरे चारों फ्रेंड्स देख रहे हैं उनको याद आ जाएगा, यहाँ से हम एंट्री करते थे। यहाँ पर रहता था गार्ड, अभी वो पता नहीं कौन से भैया बैठे हैं। ये हमारा ग्राउंड अभी आपको दिखेगा, शायद नहीं दिखेगा, भैया से बोल के अगर अंदर जा पाया तो। ये हमारा ग्राउंड है एंड यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अभी भी है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे एक बैठने के लिए, तब बहुत कुछ चेंज हो गया कॉलेज में, बिल्डिंग चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया, बट फील है पूरा खाली रोड है। मैं आपको ले जा रहा हूँ पीछे की साइड, व्लॉगिंग के लिए मस्त मस्त सड़क है। यहाँ क्या था, रोड के कोने में जहाँ से वो स्कूटी अभी जा रही है, वहाँ पे एक भेलपुरी वाला बैठता था। मोहित को बहुत शौकीन था, मोहित मेरा फ्रेंड कॉलेज का, हम 5 दोस्त कनेक्टेड हैं आपस में, मैं, मोहित, आनंद, मनीष एंड पुनीत। एक दोस्त को मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, नितिन एल्बर्ट, हम जब भी मिलते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, पता नहीं यार कहाँ है, मेरे साथ था 3 साल हमेशा साथ रहा, उसके बाद वो गायब ही हो गया। आज 12 साल हो गए कॉलेज से पास आउट हुए, बट यार पता नहीं कहाँ है। एक भेलपुरी वाला खड़ा होता था सामने और मोहित को वो भेलपुरी बहुत पसंद थी, तो 10 रुपये की वो भेलपुरी होती थी, वो खा खा के सर में दर्द हो जाता था। लेकिन वही थे कॉलेज के दिन थे। है कॉलेज का फ्रंट साइड, मेरे पीछे आउटर रिंग रोड, उसके सामने मेरे कॉलेज है, मैं आपको सामने से कॉलेज दिखाता हूँ। कॉलेज का फ्रंट आपको दिख रहा होगा PGDAV कॉलेज और यहाँ पे आपको फोटो स्टेट की दुकान दिख रही होगी, तो फ्रंट तो बिल्कुल वैसे का वैसा सेम है। यहाँ से हमारे जो लेक्चरार्स हैं उनकी एंट्री होती थी, यहाँ पे हम फोटो स्टेट कराने आते थे और उस टाइम पर कॉल्स बहुत महंगी हुआ करती थी, तो हम यहाँ से कॉल भी किया करते थे। ये STDISD भी था, तो मैं आपको कोशिश करता हूँ गेट के अंदर से अगर कुछ दिखा पाया तो दिख जाएगा, नहीं तो मैं दोबारा उसी गेट में जाके, वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था, मैं उसको एक बार नॉक करके ज़रूर बोलूँगा मुझे अंदर जाना है। लेट्स सी कॉलेज के अंदर का नज़ारा बिल्कुल सेम का सेम। ये जो फर्स्ट पेड़ आपको नज़र आ रहा है, इसके बिल्कुल राइट में एक कैफ़े हुआ करता था, वहाँ पे कॉलेज का सबसे अच्छा क्राउड वहीं रहा करता था। कुछ चीज़ों को छोड़ के यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला। अब मैं जा रहा हूँ वापस उस गार्ड को बोलने, भाई खुलेगा नहीं खुलेगा। वो रे भैया सामने दिख रहे होंगे आपके, भैया का आवाज़ लगा दो। खुलेगा भैया? नहीं खुलेगा, खोल दो। देखो वो भैया आए थे गेट तक वापस, उनको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि यूजुअली लोग डर जाते हैं। उन्होंने कहा भैया मैं घुमा देता आपको, बट अभी अलाउड नहीं है, कोरोना की भी सिचुएशन है, कॉलेज वैसे ही बंद है और अब यार ज़माना भी थोड़ा चेंज हो चुका है। मैं आया था 2017 में यहाँ पे एक बार, थोड़ा सा राउंड लगा के गया था, अगर उस टाइम व्लॉगिंग कर रहा होता तो आज सब्सक्राइबर तो बहुत ज़्यादा हो ही गए होते। बट अभी ये मेरा टूर बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही इमोशनल रहा, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी भी लग रही होगी, बट हाँ मज़ा आया घूम के, अंदर जाने को मिल जाता तो मज़ा आ जाता। चलो अब चलते हैं ससुराल। मेरे साथ इंसिडेंट होता रहता है, पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग करता हूँ तो लोगों को पता नहीं क्या शक हो जाता है, आई डोंट नो, सब व्लॉगर्स के साथ ही दिक्कत आती है नहीं आती। अंकल कह रहे बेटा क्या कर रहे हो, क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? मैंने कहा अंकल जी मेरा कॉलेज था 5 to 8 तो मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कह रहे कौन सा चैनल है, मैंने कहा चैनल स्टार्ट ही किया, इतने सब्सक्राइबर्स हैं नहीं। फिर वो चले गए। तो मैं एक चीज़ जाते जाते मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये था बस स्टैंड कॉलेज का, PGDAV कॉलेज का, यहाँ मैं उतरता था और यहाँ से सीधा कॉलेज, तो पता नहीं अब दोबारा कब आना होगा, भगवान ने चाहो तो दोबारा आएंगे व्लॉगिंग करने। अंदर मिठाई की दुकान ढूंढ रहा हूँ, दर दर भटकना पड़ रहा है, लेनी अपने घर के पास से थी, मुझे लगा आगे जाके ले लूँगा, बट अभी थोड़ा मयूर विहार में घूम रहा हूँ, किसी ने बोला राइट जाके लेफ्ट होना, देखो लेट्स सी, पता नहीं हल्दीराम तो मुझे कहीं GPS पे तो दिख नहीं रहा, देखते हैं कहाँ चलना है। गाइस ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप लग रहा है, यहाँ शायद मिठाई की दुकान मिल जाएगी,
मिठाई की दुकान पूछना पड़ेगा किसी से। लग तो अच्छी मार्केट है बट मिठाई की दुकान भैया देखनी पड़ेगी। किसी ने बोला है साइड में अग्रवाल है, देखते हैं अग्रवाल पे जाके। मिठाई तो मिल गई, नाउ आई जस्ट नीड टू फाइंड ATM, आई जस्ट नीड टू टेक आउट सम कैश। ATM पे तो यहाँ भीड़ लगी गाइस, तो मिठाई इसलिए लेनी थी क्योंकि बीबी का हुक्म था। और ज़िंदगी में खुश रहने का एक उसूल बताऊँ, लोग कहते हैं कि बीबी का हुक्म मानना चाहिए, बट मैं कहता हूँ जो डिसीजन मानने वाला है वही मानना चाहिए, जो आपको सही लगे वही मानो और एक दूसरे के डिसीजन की रिस्पेक्ट करो। जी किवे लगा है वीडियो तो लाइक तो कमेंट करके जरूर दस्यो, तो इस वीडियो पर वधिया वधिया कमेंट दे दें, इसती वीडियो लेके आवेंगे एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।